जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉग एट की, जो कीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि कीज़ कब अपलोड होंगी लॉग एट की, जो 19 फ़रवरी 2023 यानी कि कल बरोज़ इतवार हुआ है। तो इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को अपडेट करना चाह रहा था कि लॉग एट की कीज़ अपलोड होने में 48 से 72 घंटे जो है वो लगते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन गुजरने के बाद फिर कहीं जाके लॉग एट की जो कीज हैं वो अपलोड होती हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके जो है वो इस हवाले से पूछ रहे हैं। तो लॉग एट की जो कीज हैं, नॉर्मल जो रूटीन है वो है 2 से 3 दिन गुजरने के बाद लॉग एट की कीज अपलोड होती हैं। लॉग एट का रिजल्ट दो तरह से आता है, एक बाय थ्रू कीज, ये जो आपके सामने आएंगी, ठीक है जी, और उसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट। ऑफिशियल रिजल्ट आने में 10 से 15 दिन का वक्फा लगता है, वो आपको जो आपको मेल कर दिया जाता है रिजल्ट, और उसी की बिहाफ पे आप जो है वो अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं। और ये जो कीज अपलोड होती हैं इसके साथ जो आपके पास जो एक कार्बन कॉपी है कीज, जो आप बबल फिल करके आए उनके साथ, आप कीज के साथ मैच कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरे इतने स्कोर बन रहे थे, या मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ। तो उसके बाद अगर आपको कोई इरेगुलरिटी सामने आती है बाद में रिजल्ट अपलोड होने के बाद, अगर आप पास थे फेल कर दिए जाते हैं, तो आप मुतलका फोरम पे रजू कर लेते हैं। यानी कि दो तरह का रिजल्ट होता है लॉग एट के, कीज के जरिए से जो आप खुद को सेल्फ एवेल्युएट करते हैं, और दूसरा जो रिजल्ट होता है वो ऑफिशियल रिजल्ट होता है। तो कीज वाला जो रिजल्ट है वो आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, एक दिन गुजर गया इंशाल्लाह ताला, ये बुध वाले दिन जो है ये अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज जुमेरात वाले दिन तो 100% इंशाल्लाह ताला ये अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी।